वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की, जो कि यहाँ पे निकली है सिक्किम पीएससी की तरफ से। तो चलिए गाइस, एक बार इसकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो यहाँ पे सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से निकली है। टोटल 25 पोस्ट यहाँ पे निकली है ऑफ स्पेशलिस्ट। एंड गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो सिक्किम स्टेट हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की तरफ से यहाँ पे निकली है। तो चलिए आगे की डिटेल्स यहाँ पे जान लेते हैं। टोटल वैकेंसी 25 है। एंड गाइस, यहाँ पे डिसिप्लिन और स्पेशलिटी भी दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी डिटेल्स। लास्ट डेट यहाँ पे जो फॉर्म सबमिशन की रहेगी वो यहाँ पे 11 तारीख रहने वाली है। 11 मार्च रात 12 बजे तक आप लोग इसके जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले तो आपने गाइस यहाँ पे MBBS कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक साल की रोटेशनरी इंटर्नशिप कंप्लीट की होनी चाहिए आपने। और उसके बाद गाइस आप यहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए MCI यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ आप लोग रजिस्टर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मांगी गई है आपसे, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट, इफ एनी ऑफ दी 19 आपके पास है तो आप लोग फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अदर क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ये हैं कि आपको यहाँ पे सिक्किम की जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे बोलनी आनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा है शुड बी कन्वर्जेंट विद कस्टम्स एंड यूजेज ऑफ सिक्किम, यानी कि सिक्किम के जितने भी जो तौर तरीके आपको उनको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, एज लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए आपकी एज, और यहाँ पे 50 ईयर्स से कम होनी चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे फिर अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है spscskm.gov.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं 150 रुपीज़ का फीस पेमेंट करके। होप सो गाइस आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं 150 रुपीज़ का फीस पेमेंट करके। अगर आप लोग एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं तो आप फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज़ UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नेट। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अकेडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।